अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबादी खट्टी दाल। बनाने में बहुत ही आसान है और टेस्ट में बहुत अच्छी बनती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम मसूर दाल और 150 ग्राम तुअर दाल ली है। तो दालों को अच्छी तरीके से धोकर हम एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 6 हरी मिर्चें, एक मीडियम साइज़ की स्लाइसिस में कटी हुई प्याज और 4 कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा करी पत्ता और आधा चम्मच से थोड़ा बढ़कर लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डालेंगे। दाल को गलाने के लिए हम इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे और इसे 3 से 4 सीटियाँ होने तक हाई फ्लेम पर पकने रख देंगे। तो देखिए, 4 सीटियों बाद अब ये दाल अच्छी तरीके से गल गई है। अब हम एक दाल घोटनी लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। जो कि हम ये खट्टी दाल बना रहे हैं तो इसमें हम इमली का रस भी डालेंगे। तो मैं इसमें 50 ग्राम इमली का पल्प डाल रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, आपको इसे बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इस स्टेज पर आप नमक की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा करी पत्ता फिर से डालेंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर ढक्कन ढाक कर पकाएंगे। प्रेशर कुक नहीं करना है, बस इस पर ढक्कन ढाक देंगे और इसे करीब 5 मिनट तक पका लेंगे। तो देखिए, हमारी ये दाल अच्छी तरीके से पक गई है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे। तड़के के लिए एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल गर्म कर लेंगे। 5 से 6 लहसुन की कलियों को इस तरीके से लंबा काट कर इसमें डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 4 से 6 सूखी लाल मिर्चें और थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे और इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, अब यह तड़का रेडी है। हम इसे दाल में डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारी दाल की रेसिपी मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।